दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड की जो वोकेबुलरी है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उसको एक्सप्लेन करूँगी इसमें मैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हैज़ बीन अपलोडेड, यू मे वॉच दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ प्लीड। प्लीड मेन वर्ब है। व्हेन डू वी यूज़ दिस? जब आप किसी से किसी चीज़ के लिए बहुत कोई चीज़ आप किसी से मांगते हो इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस वे, तो वहाँ पर वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे प्लीड। ओके, इसके लिए सिनोनिम्स में हो जाएगा दूसरा वर्ड बेग। नेक्स्ट वन इज़ टायरेंट। व्हेन डू वी यूज़ दिस वर्ड टायरेंट? टायरेंट वर्ड यूज़ करते हैं उस पर्सन के लिए हु हैज़ कम्प्लीट पावर इन अ कंट्री। ओके, हाउ एवर इस लेशन में टायरेंट वर्ड जो यूज़ किया गया है वो चाइल्ड के फादर के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि ही जस्ट बिहेव इन दैट वे ओनली, वो जो सोचते हैं वही करते हैं। अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीट पावर इन अ कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड टायरेंट। इसके लिए सिनोनिम्स है वर्ड्स डिक्टेटर। थर्ड वर्ड इज़ लिंगर। अगेन लिंगर इज़ अ मेन वर्ब। व्हेन डू वी यूज़ दिस वर्ड लिंगर? जैसे कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू करे, टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड, जितना आपने किसी चीज़ के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में जितना देर एक्सपेक्ट किया, उससे ज़्यादा देर तक अगर कोई चीज़ कंटिन्यू करती है, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग लिंगर। जैसे एग्जाम्पल में, टू कंटिन्यू टू लुक एट समबडी और समथिंग और थिंक अबाउट समथिंग फॉर लॉन्गर दैन यूजल। तो जितना देर आप अगर मान लीजिए किसी की तरफ देख रहे हो या कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो यूजल से ज़्यादा समय तक, तो उसको बोलते हैं लिंगर करना। जैसे आप किसी से बात भी कर रहे हो तो अननेसेसरी अगर बात को बढ़ाते जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं लिंगर करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिसीडिंग। इस लेशन में रिसीडिंग किस लिए यूज़ किया गया है? जब बच्चा आगे बढ़ता है तो आगे जैसे जैसे वो मूव करता है तो पीछे जो टॉयज ये दूर होते जाते हैं उससे, उसके सेंस में रिसीडिंग यूज़ किया। रिसीडिंग वेव्स के भी सेंस में यूज़ करते हैं। टू मूव ग्रेजुअली अवे फ्रॉम समबडी। जब कोई चीज़ किसी से दूर होती जाती है और अवे फ्रॉम अ प्रीवियस पोजिशन, जहाँ पर हैं उससे दूर होते जाती है, तो वहाँ पर रिसीडिंग यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपकी ट्रेन है, आप बस में बैठे हो, तो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, जो भी चीज़ें हैं वो पीछे की तरफ वो आपसे दूर होती जाती हैं, दूर होती हैं, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं रिसीडिंग। सप्रेस। व्हेन डू वी यूज़ दिस वर्ड सप्रेस? जब हम किसी फीलिंग को या किसी इमोशंस को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं सप्रेस। अगेन सप्रेस इज मेन वर्ब। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी रोकना। टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम हैविंग और एक्सप्रेसिंग अ फीलिंग। किसी फीलिंग को बोलने से, रोकने से, या किसी फीलिंग को आने से रोकना और इमोशंस को, दैट इज़ कॉल्ड सप्रेस। जनरली सप्रेस द डिज़ायर ऑफ समथिंग, सप्रेस इज एंगर। ओके, जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, ये है, टू सप्रेस अ स्माइल, आई वॉज अनएबल टू सप्रेस माई एंगर। ओके, जब किसी फीलिंग या इमोशन को आप रोकते हो एक्सप्रेस करने से, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं सप्रेस। नेक्स्ट वन इज़ मेल्टेड। इन दिस लेशन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसकी क्या होगी मेल्टेड का? मेल्टेड मीन्स, मेल्टेड हैज़ बीन यूज इन द सेंस बिकेम टेंडर एंड लविंग। इन दिस लेशन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ क्या होगा, टेंडर एंड लविंग। ओके, फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। फ्री स्पिरिट ऑफ द डे रेफर टू द चीयरफुल डे ऑफ द फेयर। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग द टाइम व्हेन अ प्लांट हैज़ अ फ्लावर, देन दैट इज कॉल्ड, वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं फ्लावरिंग, लाइक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। स्वीप अक्रॉस, यहाँ पे स्वीप अक्रॉस मीन्स वॉट, टू स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ लैंड, कहीं दूर तक फैला हुआ, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं स्वीप अक्रॉस। उसके लिए दूसरा वर्ड आप यूज़ करेंगे एक्सटेंडेड या स्ट्रेच ओवर या स्ट्रेच्ड या स्प्रेड ओवर। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रैगन फ्लाई।
ड्रैगन फ्लाइज, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज टेक्स्ट में यूज़ किया हुआ है। तो ड्रैगन फ्लाइज नाम है उस इंसेक्ट का। एन इंसेक्ट विथ अ लॉन्ग थिन बॉडी, ऑफन ब्राइटली कलर्ड एंड टू पेयर्स ऑफ लार्ज ट्रांसपेरेंट विंग्स। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ ड्रैगन फ्लाई। सी हियर, लॉन्ग थिन बॉडी, ऑफन ब्राइटली कलर्ड, देखो टू पेयर्स ऑफ, यहाँ पर आप देखो ये क्या चीज़ है, इसका आप देख रहे हो लॉन्ग बॉडी और यहाँ पर क्या चीज़ है, पेयर ऑफ विंग्स, दैट इज़ वॉट, ट्रांसपेरेंट। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ड्रैगन फ्लाई। नेक्स्ट वन इज ऑलरेडी स्वीप अक्रॉस, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, बसलिंग अबाउट। बसलिंग अबाउट हैज़ बिन यूज फॉर ड्रैगन फ्लाइज। मूविंग अबाउट इन अ बिजी वे, जनरली इंसेक्ट्स या बर्ड्स के लिए यूज करते हैं जब वो मूव करते हैं बिजी वे में। गॉडी, गॉडी इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज फॉर ब्राइट कलर, इसके लिए सिनोनिम्स आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं गैरिश। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब टू स्टॉप समवन और समबडी फ्रॉम गोइंग टू प्लेस, गोइंग टू वन प्लेस टू अनदर। जब आप किसी चीज़ को, किसी बर्ड्स को या किसी को एक जगह से दूसरे जगह जाने में रोकते हो तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं इंटरसेप्ट। यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वॉज इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी। यहाँ पर देखो फ्लाइट इज़ अ नाउन, फ्लाइट किसके लिए यूज़ करते हैं, द एक्ट ऑफ फ्लाइंग इज़ कॉल्ड फ्लाइट। लोन मीन्स जो अकेला हो, लोन मीन्स सी। लोन वर्ड कब यूज करते हैं, व्हेन अ पर्सन और थिंग इज ऑल अलोन विदाउट एनी अदर पीपल और थिंग, उसके लिए दूसरा वर्ड सॉलिटरी भी आप यूज कर सकते हैं। सी हियर इज द पिक्चर ऑफ ब्लैक बी, ब्लैक बी, सी ब्लैक बी, हियर इट इज। नेक्स्ट में आगे भी देख लो, यहाँ पे है, टू मोर पिक्चर्स हैव बीन गिवन। नाउ फ्लटरिंग, फ्लटरिंग इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज फॉर द फ्लाइट मूवमेंट, मूवमेंट्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स फ्लटर्स करते हैं विंग्स को, उसके लिए यूज़ करते हैं। व्हेन अ बर्ड और एन इंसेक्ट फ्लटर्स इट्स विंग्स, जब फ्लटर्स करते हैं इट मीन्स वॉट, इट्स विंग्स या फिर इट्स विंग्स फ्लटर, द विंग्स मूव लाइटली एंड क्विकली अप एंड डाउन। तो इस तरह के जब विंग्स का मूवमेंट होता है देन दैट इज़ कॉल्ड फ्लटर। फ्लैपिंग, इफ़ अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स और इट्स विंग्स फ्लैप, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स दे मूव क्विकली अप एंड डाउन। इसका सिनोनिम्स का यूज़ करोगे बीट। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिल, स्टिल इज एन एडजेक्टिव। हियर यहाँ पर स्टिल क्या है, एडजेक्टिव मीन्स नॉट मूविंग, काम एंड क्वाइट, वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं स्टिल। देखो स्टिल क्या एक एक मीनिंग होती है, स्टिल सीन के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, गेज और स्टेयर, जब आप किसी चीज़ को स्टीडली देखते रहते हो, टू स्टीडली एट समथिंग, टू लुक स्टीडली, ओ आई जस्ट एड हियर, टू लुक स्टीडली, यहाँ पर लिख दोगे क्या, टू लुक स्टीडली एट समथिंग और समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन वहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे हम गेज, उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टेयर। कॉशनरी, कॉशनरी मीन्स गिविंग वार्निंग और एडवाइस, जब हम किसी को वार्निंग या एडवाइस देते हैं तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं कॉशनरी। गिली इज़ द सेकेंड वर्ड, अदर वर्ड, अदर वे ऑफ सेइंग हैप्पीली और चीयरफुली, क्या बोलते हैं, जैसे हैप्पीली के लिए वर्ड यूज़ कर, हैप्पीली बोलो गिली या चीयरफुली। नेक्स्ट वर्ड इज़ अब्रेस्ट, अब्रेस्ट वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जैसे हम किसी के साथ चल रहे हैं, नेक्स्ट टू समवन और समथिंग, फेसिंग द सेम डायरेक्शन, वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हम अब्रेस्ट। टीम इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में, वहाँ पर यूज़ करते हैं वर्ड टीम, TEAM नहीं, इट्स TEEM। ओके, नेक्स्ट वन वर्ड इज ग्रोव, ग्रोव इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड विथ फ्रूट ट्रीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑन इट, यानी कोई ज़मीन है, कोई लैंड है जहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रूट्स के ट्री लगाए हुए हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रोव्स। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्रोव्स हियर, सी
यहाँ पे है आपका ग्रोव्स, ओके ग्रोव्स देखिए, एंड नेक्स्ट वन इज पेटल. पेटल इज द वर्ड दैट इज यूज फॉर अ डेलिकेट कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर. हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ पेटल. सी दिस इज पेटल, दिस इज कॉल्ड कलरिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल. तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. लास्ट पार्ट में थर्ड पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें सारे वर्ड्स को डिस्कस करूँगी. ओके okay?